क्या बन रहा है? देखो इधर तो ये बन रहे हैं, कल बाबू के लिए पनीर का पराठा बना रहे हैं और रोटी बन चुकी, सब्जी भी बन चुकी और इधर बन रहे हैं, हम बना रहे हैं अपने लिए सैंडविच। ये देखिए मसाला बना के रखे हैं पनीर का और ये इधर रखी है। बाबू को पराठा बना दो, क्योंकि बाबू शाम को भी बोल रहे थे सैंडविच बाबू खाते नहीं, सॉरी बड़ी दिक्कत है, तो बाबू के लिए बना दिया ये पनीर का पराठा, तो बाबू सोच से पनीर का पराठा खा लेंगे। देखिए करारा करारा बाबू को बन चुका है पनीर का पराठा, देखिए ये बन गया है टेस्टी टेस्टी और पनीर वाला पराठा। हाँ ये रख देती हूँ इसमें बाबू को ना। ये देखिए ये हो रही है सैंडविच की तैयारी, पूरा भरे जा रहे हैं सैंडविच, अच्छे लगते पनीर के सैंडविच ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, मुझे तो बहुत अच्छे लगते। परसों भी बना के खाई, परसों शाम को ही बना खाई, सुबह ही बना खाई, कल नहीं खाई है ना, कल आलू को पराठा खाया था, तो आज शाम को फिर ले आई पनीर और ब्रेड, तो मैंने मेरे को भी अच्छा लगा था, मैंने कहा आज और बना दे मेरे लिए, अच्छा लगा तुमको। खाने में टेस्टी लगता है ना चाय के साथ, और इसका खाने का मतलब टेस्ट ही अलग होता है वैसे चाय के साथ, तो और भी चीज़ें जैसे पराठे वराठे खाओ तो रोज़ खाते ही रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम तो कभी कभी बनाते हैं वाली चीज़ें ना। हाँ रोज नहीं बनाते हैं पराठे, तो ले ये है कि पराठे तो बनते रहते हैं, क्योंकि बाबू को पराठा तो बनता ही है उसका टिफिन के लिए, तो मन करता है हमारा खाने का, तो मेरा भी बनता ही बनता है, मानो एक पराठा तो बनाती हूँ ये चाय के साथ, तो इनका कभी कभार जैसे आलू का बना रही पनीर का बना रही तो बनाती हूँ, सिंपल पराठा नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक कप पराठे वराठे कम खाते हैं। ये देखिए एकदम करारी करारी नहीं बनाऊँ, क्योंकि सैंडविच ना करारी करारी अच्छी रहती है, एकदम नरम नरम नहीं अच्छी रहती है। हमारे पास वैसे बनाने की मशीन तो नहीं है, हाँ मशीन तो देसी तरीके से बनाते हैं तवे पे, और घी में सेक रही हूँ दबा दबा के, क्रंची क्रंची करूँ क्रंची क्रंची, बनाने का बहुत ही अच्छा स्टाइल है ये वाला, उसमें तो वैसे फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है मशीन वाले में, नहीं उसमें भी बन जाती करारी, बन जाती इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा करारी काम आनेगी ये डायरेक्ट तवे पे है नहीं ये मशीन कोई नहीं, ये है हमारी मशीन तवा, ये सब कुछ बना देगा ये देखिए करारी करारी मस्त सीखिए ना एकदम करारी करारी, देखिए और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी करारी करारी, इसीलिए मैं करारी करारी बनाती हूँ। क्या बनाओगे? चार पांच तो बनाओगे ना, दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए, अच्छा पेट भर जाएगा दो दो से, नाश्ता हो जाएगा पेट में, मतलब नाश्ता हो जाएगा, हाँ तो नाश्ते की दौर तो पेट भर ही जाएगा ना, चाय और को पेट भर के खाते हैं, चलो फोटो खींचा। ये देखिए हो गई नीतू की रेडी सब सैंडविच, अभी आँखों में नींद सी भर रही है, नहीं खुले हुई है, रात में टी हो रही थी आँखों में, ये देखिए जी सैंडविच और चाय चाय, चार सैंडविच बनाई है, दो इनके लिए दो अपने लिए, बाबू को भी सो रहे हैं, बाबू के लिए बनाया पराठा पराठा, अब बाबू उठेंगे जब खाएंगे, चलिए कमरे में खाते हैं आते हैं चाय और चाय पिए नाश्ता करिए, और नीतू जी खाइए पिए मस्त रहिए हम तो खाते हैं नाश्ता के गुरु का यार देख के करारी करारी देख रहे हैं, और आपको सैंडविच कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चाय नाश्ता करते रहें, और वीडियो को जरूर पूरा देखें, और मिलते हैं आपसे अब, खाइए पिए खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, आज दो बार बोल दे फिर कर देना ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय बाय।